आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में. कैसे जाने जब ऑपोजिट सेक्स हमें इंटरेस्टेड है. हम बात करेंगे वो बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स के बारे में जो कोई लड़की आपको देती है जब वो आप में इंटरेस्टेड होती है. जब कोई लड़की आप में इंटरेस्टेड हो तो वो अपने आईज बहुत यूज करेंगे. वो आपके साथ बहुत आई कॉन्टैक्ट करती है. ये आई कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं कि नॉटी हो. वो एक स्ट्रेट आई कॉन्टैक्ट भी हो सकता है जो सिर्फ ये इंडिकेट करता है एक जेन्युइन इंटरेस्ट. जब वो आपके साथ बात करती है थोड़ा सा झुक जाती है, थोड़ा सा लीन हो जाती है आपके सामने, थोड़ी सी नैरो हो जाती है. ये इंडिकेटर होता है दोस्ती का, फ्रेंडशिप का, इंटरेस्ट का और एक गुड लिसनर होने का कि वो आपकी बात ध्यान से सुन रही है और जो आप बातें करते हो वो उन्हें अच्छी लगती है और वो उन बातों में इंटरेस्टेड है. अगर आप कैंटीन में हो या लाइब्रेरी में हो या किसी रेस्टोरेंट में हो तो अपने जो हाथ है वो ऐसे रख देंगी टेबल पे, या तो फिर एक हाथ ऐसे टेबल पे रख देंगी और आपकी बात ध्यान से सुनेगी. ये भी एक इंडिकेटर होता है लाइकिंग का. आपके टॉक्स, आपकी जो बातें हैं उनमें वो इंटरेस्ट रखती है. जब ये आपसे सुन रही होती है तो इनकी आँखें ऐसी बड़ी हो जाती हैं और आँखों का बड़ा होना ये दिखाता है इंटरेस्ट दिखाता है, सरप्राइज दिखाता है, फीलिंग्स कम्युनिकेट करता है आईज का बड़ा होना. आईब्रोज उनके काफ़ी राइज हो जाते हैं. अप्स एंड डाउन्स इन द आईब्रोज इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ इंटरेस्ट इन यू. वो अपनी हर बात आपके साथ शेयर करती है और शेयर करते वक्त वो बहुत एनिमेटेड हो जाती है. आप देखते हो लड़कियाँ मतलब बहुत कभी कभी एक्साइट हो जाती है, बहुत एनिमेटेड हो जाती है. उनके वॉइस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हैंड्स काफ़ी यूज़ करती है. एक क्लियर इंडिकेटर होता है कि वो कितनी एक्साइटेड है आपसे मिलके, कितनी खुश है वो आपसे मिलके. तो जहाँ पे वो खड़े हो वहाँ पे भी थोड़ा सा वो उछल देंगे, थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाएंगी, हैंड्स ऐसे यूज़ कर देंगे. तो ये भी बहुत इंडिकेटर होता है एक्साइटमेंट का कि वो आपकी कंपनी इंजॉय करती है और आपको देख के बहुत खुश है. जेस्चर्स बहुत यूज़ करेंगे, ये हैंड के जेस्चर्स बहुत यूज़ करेंगे और ये हैंड के जेस्चर्स काफ़ी आपके टूवर्ड्स आते हैं, मतलब आपके टूवर्ड्स आते हैं सामने, मतलब ऐसे हैंड यूज़ कर देगी, ऐसे हैंड यूज़ कर देगी, या तो फिर राइट हैंड ऐसे और सामने लीन हो जाएंगी. तो ये इंटरेस्ट होता है आपके प्राइवेट स्पेस में एंटर करने का, मतलब ये आपसे दोस्ती आगे बढ़ाना चाहती है, आपकी खास दोस्त बनना चाहती है, आपके करीब आना चाहती है. तो आपके थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज करीब आना, आपके प्राइवेट स्पेस में एंटर करना, और क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं आ सकती तो आप अपने लेग्स नहीं यूज़ करेंगे ये, तो अपने हैंड्स के साथ ये आपके टूवर्ड्स आपके पास आने की कोशिश करेंगे. जब आप ग्रुप में हो, मतलब कैंटीन में या तो फिर किसी कॉफ़ी शॉप में, या तो फिर अगर आप सिर्फ ऐसे ग्रुप में कॉलेज के कंपाउंड में खड़े हो तो आप नोटिस करोगे कि ये आपकी तरफ मुड़ जाती है और आप नोटिस करोगे कि सब एक ग्रुप में है लेकिन सिर्फ ये है जो आपकी तरफ थोड़ी सी मुड़ी हुई है. ये दिखाता है कि औरों से ज़्यादा इस ग्रुप में मैं इसमें आप में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ. ये हम जान के नहीं करते दोस्तों, क्योंकि हमारी जो 80% बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत सबकॉन्शियस लेवल से आती है. हमारा सबकॉन्शियस लेवल मतलब हमारे बिना जाने हम ऐसे ओरिएंट हो जाते हैं उस व्यक्ति की तरफ जिसमें हम इंटरेस्ट रखते हैं. तो शायद आप अगर कॉफ़ी शॉप में भी बैठे हो तो अपनी चेयर जो है वो थोड़ी सी आपकी तरफ ऐसे मुड़ा लेंगे और उनकी जो शोल्डर है वो आपकी तरफ होगी, सिर आपकी तरफ होगा, औरों से ज़्यादा वो आपको देखेंगी. ये सब क्लियर स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं कि औरों से ज़्यादा वो आप में इंटरेस्ट रखती हैं. सो बॉयज, जो इन्फॉर्मेशन हमने आज आपको दी आई होप वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और आप उसे ध्यान में रखोगे. अगर आप भी उस लड़की को लाइक करते हो और अगर वो लड़की आपको ये सिग्नल्स दे रही है तो फैंटास्टिक, यू हैव हिट द बुल्स आई, गुड लक टू यू. जब जश्न ज्वालामुखी बनेगा और फटेगा तो लाभ कैसे होते हैं, जब वो बर्ड होता है. जब कोई बर्ड होता है तो वो ज़्यादातर अपना एक पैर टैप करते रहेगा. If you're masturbating, that means आपकी sexual drive अभी भी उतनी ही active है जितनी पहले थी.